हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 28 अगस्त 2018 का टॉप 20 करेंट अफेयर्स है। इसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सहित कई न्यूज़पेपर और पीआईबी रिपोर्ट्स के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका पीडीएफ और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबाएँ। क्वेश्चन होगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ड्रोन रेगुलेशन 1.0 लॉन्च किया है। इसके अनुसार ड्रोन का कॉमर्शियल उपयोग कब से शुरू हो सकेगा? इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार ने देश में ड्रोन के कॉमर्शियल उपयोग की मंजूरी कब से देने का फैसला किया है। तो आंसर होगा 1 दिसंबर 2018। देखिए, सरकार ने ड्रोन को टोटल 5 कैटेगरी में बांटा है। 250 ग्राम के ड्रोन को नैनो ड्रोन कहा जाएगा। तो नैनो ड्रोन के उड़ान के लिए अनुमति या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उन्हें 50 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भरने की इजाज़त रहेगी। इससे ज़्यादा वजन वाले ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल के रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट, उड़ान से पहले आवेदन और फ्लाइट प्लान अपलोड करने के लिए डिजिटल स्काई नामक एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ये एक ऐप होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ड्रोन के नागरिक कॉमर्शियल यूज़ के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कौन सा ऐप बनाया गया है जिसके थ्रू परमिशन मिलेगी। तो ये ऐप का नाम होगा डिजिटल स्काई, ठीक है। देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सामान की डिलीवरी को छोड़कर बाकी कामों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है 1 दिसंबर से। देखिए, लाइसेंस के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे 18 साल उम्र होनी चाहिए, 10वीं क्लास तक पढ़ाई होनी चाहिए और अंग्रेजी आना चाहिए। देखिए, इसके लिए सरकार ने भारतीय आकाश को 3 जोन में विभाजित किया है। रेड जोन में उड़ान वर्जित होगा, यानी नहीं उड़ा पाएंगे। ये इलाके होंगे जैसे हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्र तट, जैसे दिल्ली का विजय चौक, राज्यों के सचिवालय और सैन्य अड्डे वगैरह, ठीक है। येलो में नियंत्रित उड़ान हो सकेगी, मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, जबकि ग्रीन जोन में उड़ाने के लिए ऑटोमेटिक अनुमति मिल जाएगी, जो कि ऐप से मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हाल ही में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, इस अभ्यास का नाम बताएं। आंसर होगा SCO पीस मिशन 2018। SCO का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सैन्य अभ्यास में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान के 3000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। तो SCO का आतंकरोधी अभ्यास रूस के चेबरकुल शहर में 22 से 29 अगस्त के बीच में आयोजित हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है वहाँ पर। भारत और पाकिस्तान जून 2017 में इस SCO के पूर्ण सदस्य बने थे और उसके बाद मिलिट्री अभ्यास में दोनों ही देश की सेना पहली बार शामिल हो रही है। भारतीय टीम में 200 सैनिक शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त को कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया? आंसर है 34,833 करोड़ रुपए। देखिए, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने ये अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में कुंभ मेला, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, गौ संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कई योजनाओं सहित अदर डेवलपमेंट को लेकर योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के अस्थाई सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन यानी PIC की वर्ष 2018 की दूसरी बैठक कब और कहां होगी? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है 29 और 30 अगस्त को लाहौर में होगी। अस्थाई सिंधु आयोग की इस मुलाकात में दोनों देशों के अधिकारी सिंधु जल मामले को लेकर चर्चा करेंगे। भारत के दल का नेतृत्व करेंगे PK सक्सेना, ये इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से सैयद मेहर अली शाह को इसका आयुक्त बनाया गया। तो क्या है PIC? तो परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो 1960 में सिंधु जल समझौते का हिस्सा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते में सिंधु समेत सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब नदी का जिक्र है। इसके तहत भारत को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान को देना होता है।
एक और बेसिक बात बता दूं कि सिंधु जल समझौते के तहत दोनों देशों के अधिकारी को हर साल एक बार कम से कम मिलना होता है। तो ये जो मुलाकात हो रही है इस साल दूसरी बार है, इससे पहले मार्च में न्यू दिल्ली में ये बैठक हुई थी। देखिए, सिंधु जल को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत में संधि के तहत नदियों से मिलने वाला पानी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था। कहा गया था कि बांध बनाएंगे वगैरह वगैरह, तो इससे तनाव हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच में विवाद को समाधान के लिए काम किया और ये बैठक जो है नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, 6 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय की वजह से किस बैंक ने अपने 1295 शाखाओं के नाम और आईएफएससी कोड में परिवर्तन किया है? तो कौन कौन सी बैंकों का एसबीआई में जो विलय हो चुका है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक, उसका एसबीआई में विलय हो गया था पिछले साल अप्रैल में। तो अब जो है वो आईएफएससी कोड और शाखाओं के नाम बदल दिए गए। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, बायोफ्यूल से भारत के पहले विमान ने 27 अगस्त को कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी? ठीक है, पहली बार ये उड़ान हुई है। आंसर है देहरादून से दिल्ली। 27 अगस्त को स्पाइस जेट ने बायोफ्यूल से उड़ान भरने वाले अपने विमान का परीक्षण किया और सफल रहा ये परीक्षण। ये जो विमान था वो था बॉम्बार्डियर Q400। ठीक है, इसके साथ ही भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को उड़ाया है। देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश है। इस फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन में 75% एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF था, जो परंपरागत रूप से यूज़ हो रहा है, और 25% बायोफ्यूल का मिश्रण था। ये बायोफ्यूल जो है वो जट्रोफा के बीज से बना था और इस फ्यूल का विकास किया है CSIR, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि इस बायोफ्यूल का जो विकास किया है पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? आंसर है गोल्ड। 20 साल के हैं वो और पहली बार भारत को इस स्पर्धा में यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल दिलाया उन्होंने। वो हरियाणा के रहने वाले हैं और 18वें एशियाई खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में भी वो भारतीय ध्वजवाहक रहे थे। इससे पहले वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के बैडमिंटन फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है पीवी सिंधु। तो अब फाइनल मुकाबला होगा पीवी सिंधु और चीनी ताइपे यानी ताइवान की ताई जू यिंग के बीच में। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के बैडमिंटन स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है साइना नेहवाल। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है यानी कांस्य पदक। वो सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे यानी ताइवान की ताई जू यंग से हार गए, इसकी वजह से उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। देखिए, 9वें दिन इंडिया को टोटल 5 पदक मिले हैं। सुधा सिंह ने महिलाओं की 3000 मीटर स्पिटल चेंज में सिल्वर, अय्या सामी ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में और वराकिल ने महिलाओं की लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज लालचंद राजपूत को किस देश की नेशनल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर है जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो मतदाताओं को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को रेटिंग देने और समीक्षा करने की अनुमति देता है? आंसर है नेता, ये नेता ऐप है। देखिए, प्रणब मुखर्जी ने 24 अगस्त को ये ऐप लॉन्च किया है। नेता ऐप का लक्ष्य है नेताओं के बीच राजनीतिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बनाना।
27 वर्षीय उद्यमी प्रथम मित्तल ने इस नेता ऐप को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, पोषण और कुपोषण से संबंधित सवालों का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इसका नंबर बताएं। आंसर है 14408। इस नंबर से आम लोग भी पोषण से संबंधित सवाल पूछ सकेंगे। ये नंबर राष्ट्रीय पोषण मिशन कहे जाने वाले पोषण अभियान के तहत जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी ने उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी एक्स डीजीपी पर 46,14,960 रुपये का जुर्माना लगाया है, उनका नाम बताएं। आंसर है बीएस सिद्धू। और मामला ये है कि देहरादून के वीर गिरवाली गांव में आरक्षित वन क्षेत्र में जमीन खरीदने, भूमि का उपयोग बदलने और अवैध तरीके से साल के पेड़ों की कटाई का मामला है, तो इसी मामले में जुर्माना लगाया गया है उन पर। अगला क्वेश्चन है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन दौड़ाने के लिए कहां से कहां तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। आंसर है दिल्ली से आगरा। देखिए, ये इस वक्त देश का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रैक है, अब इसे हाई स्पीड ट्रैक में बदलने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। अभी ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिमान एक्सप्रेस चलती है, जो इस देश की सबसे तेज चलने वाली अब तक की ट्रेन है। तब इस ट्रैक को इस तरह का बनाया जा रहा है कि उस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन गुजर सके। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के जांचकर्ताओं की ताज़ा रिपोर्ट में जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में किस देश के सेनाध्यक्ष समेत 6 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है म्यांमार। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन म्यांमार साल 2017 में बनाया गया था और इसका मकसद था पूरे म्यांमार में, खासकर रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुई हिंसा के मामलों की जांच करना था। तो इस मिशन की रिपोर्ट 27 अगस्त 2018 को पब्लिकली हुई है। तो इसमें रोहिंग्याओं के नरसंहार के लिए म्यांमार के सेनाध्यक्ष मिन आंग हलाइंग समेत अदर जनरल्स को दोषी माना गया है। रिपोर्ट में म्यांमार की मौजूदा नेता आंग सांग सूची की भी कड़ी आलोचना की गई है और कहा गया है कि वो देश में जारी हिंसा को रोकने में नाकाम रही। अगला क्वेश्चन है, यमुना बेसिन में 39,066 करोड़ रुपए की लागत वाली लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बीच में समझौता ज्ञापन पर कब सिग्नेचर होगा। आंसर है 28 अगस्त 2018 यानी आज ही को। देखिए, लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू होगी। आंसर है 25 सितंबर 2018। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 27 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इस योजना के लिए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है और काम करना शुरू कर दिया है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र कब शुरू होगा। आंसर है 18 सितंबर 2018 से। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद प्रयाग में कब से कब तक होगा। आंसर है 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक। तो ये था टॉप 20 करंट अफेयर्स 28 अगस्त का। अब करंट अफेयर्स का अगला वीडियो कल मॉर्निंग को आएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और इसका PDF फोन लाइनर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपडेट आता रहता है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव का स्वागत है। अगर आप पहली बार YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।